एक ऐसा रहस्यमय शिवलिंग जहां हर 12 साल बाद गिरती है आसमानी बिजली। उसके बाद जो चमत्कार होता है उसे देखकर वहां के सभी नागरिक भी हैरान रह जाते हैं। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। अगर अभी तक आपको हमारे ये खास वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। हिंदू धर्म में कई भगवान हैं जिन्हें पूजा जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा मंदिर है जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। आप सोच रहे होंगे कि भला इस मंदिर में ऐसा क्या होता है, तो दोस्तों आपको बता दें कि शिव मंदिर में हर 12 साल में आकाशीय बिजली गिरती है। जी हाँ, चौंके मत, क्योंकि ऐसा सच में होता है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से 18 किलोमीटर की दूरी पर मथान नामक स्थान पर भोलेनाथ का एक विशेष मंदिर स्थित है। ये एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जहां ऊंची पहाड़ियों पर बसे इस मंदिर के साथ ही पार्वती और व्यास नदी का संगम भी है। मान्यता है कि कुल्लू घाटी विशाल सांप के रूप में है और इस सांप का वध खुद भगवान शिव ने किया था। यहां हर 12 साल में आकाशीय बिजली गिरती है। हालांकि इस दौरान मंदिर को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर में कुलांत नामक एक दैत्य रहता था। एक बार उसने सारे जीवों को मारने के लिए व्यास नदी का पानी रोक दिया। ये देख भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और इसके बाद महादेव ने एक माया रची। भगवान शिव ने दैत्य के पास गए और उसे कहा कि उसकी पूछ पर आग लगी है। ये बात सुन दैत्य ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो भगवान शिव जी ने त्रिशूल से कुलांत के सिर पर वार किया और वह वहीं पर ध्वस्त हो गया। कहा जाता है कि दैत्य का विशालकाय शरीर पहाड़ में तब्दील हो गया, जिसे आज हम कुल्लू मनाली के पहाड़ों के नाम से जानते हैं। इसके बाद शिव ने इंद्र भगवान से वहां पर 12 साल में बिजली गिरने को कहा, जिससे यहां जन और धन की हानि नहीं हो। वहीं बताया जाता है कि हर 12 साल में भगवान इंद्रदेव पहले भोलेनाथ की आज्ञा लेते हैं और फिर यहां पर बिजली बरसाते हैं। दोस्तों इस दौरान बिजली के गिरने से मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है। इसके बाद मंदिर के पुजारी खंडित शिवलिंग पर मरहम के तौर पर मक्खन लगाते हैं ताकि महादेव को दर्द से राहत मिल सके। कुछ ही महीनों के बाद शिवलिंग दोबारा एक ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसी वजह से स्थानीय लोग इस शिवलिंग को मक्खन महादेव या बिजली महादेव के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।